तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे बीसीसी तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो अभी तक सीट अलॉटमेंट लेटर सेकेंड का राउंड का यहाँ पे जारी नहीं किया गया है था लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे जारी कर दिया गया अभी अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे डी सी सी पी ई दो हज़ार बीस सेकेंड राउंड अवेलेबल यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है पी ई का जो सेकेंड राउंड का पॉलिटेक्निक का जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर था वो जारी कर दिया गया है दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही देख पा रहे होंगे डाउनलोड अप्लीकेशन फॉर्म में तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ऑर्डर डी सी सी पी ई दो हज़ार बीस सेकेंड राउंड तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आगे पेज पर पे ले जाएगा दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह से नॉलेजबल वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ अपडेट अपडेट कर दिया गया है और यहां पे बिहार आईटीआई का भी सेकेंड राउंड जारी नहीं किया गया है लेकिन प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर यहां पे सेकेंड राउंड का पीजी का यहां पे कर दिया गया है जैसा कि आप लोग यहां पे भी देख सकते हैं कि डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डी सी पी ई टू एंड राउंड यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आगे पेज पर ले जाएगा दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन दोस्तों को भी पता लग जाए कि यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक का सेकेंड राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो दोस्तों जैसा कि इस तरह का ओपन होने के बाद आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे कि इस प्रकार से डाउनलोड करना है तो दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलिंग यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ही सेलेक्ट करना है फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलाएंगे मिल जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रोल नंबर और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो आपका कैंडिडेट लॉग और पासवर्ड था वो यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है और नीचे आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा इस कैप्चे को यहाँ पे इंटर सेक्रेटरी कोड में डाल के यहाँ पे आप लोग को फिलअप कर लेना और यहाँ पे आपको साइन इन बटन पर क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आपको सी लोटमेंट लेटर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों मैं

बता देता हूँ और दोस्तों मेरे पास आईडी पासवर्ड अभी अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप कर सकते हो अगर आपका फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे गलत बता रहा है पासवर्ड तो क्या कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर आपका पासवर्ड गलत बता रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक करके आपको पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना है फॉरगेट किस कर किस प्रकार से कर पाइएगा इसका मैं डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ आप मेरे चैनल पर जाके भी विजिट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर पे आपको इस तरह का फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा यहां पे आपको ओ टी पी सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको जो आई टी आई एडमिशन या पी जी पॉलटेक्निक इंजीनियरिंग काउंसिलिंग का यहाँ पे फॉरगेट करना चाहते हैं तो इस पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग काउंसलिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर यू जी आई डी पासवर्ड यहाँ पर आप लोग को आई डी यानी कि रोल नंबर डाल देना है और इंटर मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पर दिया था और यहाँ पर आपको सेक्रेटरी कोड यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर ये सेक्रेटरी कोड यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर सेंड ओ टी पी पे क्लिक करना है सेंड ओ पे क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओ जाएगा और वो ओ टी पी डाल देना है और डालने के बाद एक आपको नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना तो सो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह से नॉलेजल वीडियो आप लोगों को पहुंचती रहे और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि की ताकि उनको भी पता लग जाए